हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीलम। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल क्रिएटी कॉर्नर में। दोस्तों, अभी से क्रिसमस की तैयारियां शुरू करते हैं क्रिसमस ट्री के साथ। इसका वीडियो क्रिएटिव होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इस टाइप का एक कप ले लें, इसके साथ लें चार अलग अलग टाइप के दिए। छोटे दिए जो लेंगे, इस बात का ध्यान रखें कि उसकी लंबाई ज़्यादा ना हो। स्क्रू ड्राइवर से हर एक बड़े दियों में होल कर लें। होल करने से पहले दियों को एक रात पानी में भिगो दें। जो भी होल करें, होल का साइज बड़ा हो। दोस्तों, ये है गोल्डन डस्ट पाउडर। इसमें मैं थोड़ा सा बाइंडर मिलाऊंगी। जरूरत पड़ने पर उसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाएंगे। गोल्डन डस्ट ना मिले तो इसमें गोल्डन पेंट और गोल्डन कलर का यूज भी कर सकते हैं। एक एक करके हर एक में कलर करते जाएं। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊं और मुझे भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि निचले वाले हिस्से में कलर नहीं लगाना है, केवल ऊपर कलर लगाना है। देखो दोस्तों, ये है फेदर रूल जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। धागे को दियों में इस तरह से डालें। दोस्तों, ये है वुडन रिंग, इसे डोरी में डालें। दोनों डोरियों में एक गांठ मार लें। डोरी में इस तरह से एक एक रिंग डालते जाएं। तो ध्यान रहे इस बात का, हमें नोट अच्छी तरह से बांधनी है। दोस्तों, आपका हर एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। रिंग के नीचे ग्लू लगाएं और हर एक रिंग को सेट करते जाएं। इस तरह से पहले वाले दिया बनाया है, उसी तरह से हमें और भी दिए बनाने हैं। छोटा स्क्रू ड्राइवर लें, इस तरह से दो होल कर लें। देखो दोस्तों, ये है लकड़ी का छिलका, इसे इस तरह से रोल करें। इसे रंधे का छिलका भी कहते हैं। इससे इस तरह का स्पाइरल शेप हमें मिलता है। वार्निश करने पर लकड़ी के छिलके में जो धारियां हैं वो उभर कर आती हैं। एमसील की डोरी बनाएं, इसे कप पर इस तरह से लगाएं। बनाए हुए दिए को इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से चिपका लें। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ा दिया नीचे की ओर रहे। उसके ऊपर छोटे दिए को एमसील से चिपकाएं और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लें। इस तरह से एक सुंदर सा, प्यारा सा, बेहद खूबसूरत ट्री बन जाएगा। इसके ऊपर एमसील की छोटी रोटी बना के रखें, जिसके ऊपर बड़े से छोटे साइज का दिया अच्छी तरह से चिपका दें। देखो दोस्तों, डबल लेयर का बेहद खूबसूरत ट्री बनके तैयार है। जो मैंने छोटे दिए पर होल किया था, उस दिए को मैं यहाँ पर लूंगी। एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ लेंगे, जिसे दो पार्ट में कट करेंगे। इस तरह की एक गोटा पट्टी लैस लेंगे, जिसे ऐसे फोल्ड करें। पतले नायलॉन के धागे से इसे बांध लें। सबसे ऊपर के छोटे दिए में मैंने एमसील का यूज नहीं किया है। ग्लू लगाएं, उसके ऊपर रंधे की लकड़ी को अच्छी तरह से चिपका दें। है स्टार, जिसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों, ये है बैटरी लाइट, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। डबल साइड टेप को इस तरह से लगाएं, उसके ऊपर बैटरी को लगा दें। वायर को दियों के निचले हिस्से पर एक एक करके रोल करते जाएं। बैटरी को इस तरह से लगाएं ताकि यह दिखे ना। यहाँ पर हम क्रिसमस ऑर्नामेंट को लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा क्रिसमस ट्री बनके तैयार है। इसमें मैंने 4 लेयर का यूज किया है। आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस क्रिसमस पर इसे जरूर से ज़रूर बनाइए। कमेंट्स लिखना मत भूलिए कि आपको यह कैसा लगा।